सो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का जो आज का अपना ई लेक्चर का जो सेशन है उसके अंदर अपन लेक्चर नंबर 10 पढ़ेंगे। आपको याद होगा कि लास्ट लेक्चर में अपन ने पढ़ा था कि जॉब एनालिसिस क्या होता है, जिसमें अपन ने जॉब डिस्क्रिप्शन और जॉब स्पेसिफिकेशन के बारे में देखा था और मेथड्स पढ़े थे कि जॉब एनालिसिस हम कैसे कैसे कर सकते हैं। आज जो टॉपिक है अपना वो है ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, कि इसके कंसेप्ट क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, ये आज अपन पढ़ेंगे। तो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग या मैन पावर प्लानिंग भी इसको कहते हैं। तो ये क्या है, ये एक प्रोसेस है जिसके अंदर जो ऑर्गेनाइजेशन है ये इंश्योर करती है कि उसके पास राइट काइंड ऑफ पीपल हैं, राइट नंबर हैं पीपल्स के, सही समय पर और राइट प्लेस पर ये लोग प्लेस्ड हैं, और हर पर्सन जो भी वर्क कर रहा है वो एक्यूरेट अपनी एफिशिएंसी और इफ़ेक्टिवनेस के साथ कर रहा है ताकि ऑर्गेनाइजेशन अपने गोल्स को अचीव कर सके। तो एक बात मैं आपको बताता हूँ कि जो मैन पावर प्लानिंग है या ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग है ये एक वन टाइम एक्टिविटी नहीं है, इट्स अ कॉन्टीन्यूस प्रोसेस, और क्योंकि इसके थ्रू ही हम क्या कर सकते हैं, हम अपने ऑब्जेक्टिव्स को डेवलप कर सकते हैं, डिटरमाइन भी कर सकते हैं, उनको अचीव करने के लिए पॉलिसीज़ भी बनाई जा सकती हैं, और ह्यूमन रिसोर्स को प्रॉपरली और कैसे यूटिलाइज किया जा सके गोल्स अचीवमेंट में, इन सब की स्ट्रेटेजी भी हम ये कंटिन्यूस प्रोसेस के थ्रू ही करते रहते हैं। यदि ऑब्जेक्टिव देखा जाए, सबसे पहला ऑब्जेक्टिव होता है इस प्लानिंग का कि आपके जितने भी ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं, उनका प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो सके, कहीं कोई रिसोर्स वेस्ट नहीं होना चाहिए। सेकंड, आपके एम्प्लॉयज जो हैं, जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, उनका कितना डेवलपमेंट हुआ है और ऑर्गेनाइजेशन भी उसमें कितना अचीवमेंट है ऑर्गेनाइजेशन के गोल अचीव करने में, इन सब चीज़ों की जो हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं वो इस प्लानिंग के अंदर हम देख लेते हैं। ह्यूमन रिसोर्सेज को फुल्ली यूटिलाइज करने के लिए उनके लिए प्रॉपर पॉलिसीज़ कैसे बनाई जाएँ, स्ट्रेटजीज बनाई जाएँ, इसकी भी जो ये भी एक मेन ऑब्जेक्टिव होता है ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग का, और कंट्रोल मेजर्स कि अगर कहीं कुछ अगर उनको अथॉरिटी दी गई है तो उनको डायरेक्शन दी जा रही होगी, तो कैसे उनके उस डायरेक्शन को गाइडलाइंस के तहत मॉनिटर किया जाए, उनके परफॉर्मेंस को एवेल्यूएट किया जाए, ये सारी चीज़ें भी हम किसमें देख रहे हैं, इस मैन पावर प्लानिंग के अंदर देख रहे हैं। यदि हम इसकी इंपॉर्टेंस की बात करें, क्यों है ये इतना इंपॉर्टेंट, देखिए ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग कही है या मैन पावर प्लानिंग कही है, ये सबसे पहली चीज़ तो हमें ये बताती है कि हमारे यहाँ ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज़ एक्सेस में है या हमारे यहाँ शॉर्टेज में है, ये हमें इस चीज़ के बारे में क्लैरिफाई कर देती है। दूसरा, ये आपके एम्प्लॉयज़ के डेवलपमेंट में भी बड़ी हेल्पफुल होती है, क्योंकि ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग जो हम कर रहे हैं हम इसमें क्या देख रहे थे, हम एक इसमें एंश्योरिटी देख रहे थे, क्या हमारे पास राइट नंबर ऑफ पीपल्स हैं जो कि राइट समय पर रिक्रूट किए गए हैं, और जो भी वर्क वो कर रहे हैं उस वर्क के लिए उनको प्रॉपरली राइट एलोकेशन उनको दिया गया है, राइट वर्क एलोकेट किया गया है ताकि वो अपनी फुल एफिशिएंसी और इफ़ेक्टिवनेस के साथ ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सकें। और यदि एम्प्लॉय ये सारी चीज़ें कर रहा है, एफिशिएंसी के साथ काम कर रहा है, इफ़ेक्टिवनेस के साथ काम कर रहा है, ऑर्गेनाइजेशन गोल्स को अचीव कर रही है, तो कहीं ना कहीं एम्प्लॉय भी डेवलप हो रहा है या नहीं हो रहा, ये भी उसकी हेल्प में मदद कर देती है मैन पावर प्लानिंग। ऐसे ही जो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग होती है ये यूज़फुल है किस चीज़ के लिए, कि आपकी जो एग्जिस्टिंग मैन पावर है, जो अभी करंट में आपके एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं, उनमें कोई डेफिशिएंसी तो नहीं है, और यदि है तो करेक्टिव एक्शन लेके उन डेफिशिएंसीज़ को रिड्यूस किया जा सके, ये फ़ायदा मिलता है हमें इस प्लानिंग को करने से। यदि हम प्रोसेस की बात करें, जैसे मैंने पहले भी कहा, इट इज़ नॉट अ वन टाइम एक्टिविटी, इज़ अ कॉन्टीन्यूस प्रोसेस। तो जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर होता है उसको क्या रिक्वायरमेंट है, उसको रिक्वायरमेंट ये है कि वो बार बार अपनी कंपनी की जो एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी है उसको रिवाइज करता रहे, और इसलिए भी रिवाइज करे ताकि वो बेस्ट रिजल्ट को प्रोड्यूस कर सके। तो इसके लिए ज़रूरी है एक प्रोसेस को फॉलो करना। वो प्रोसेस क्या है, सबसे पहला ऑब्जेक्टिव ऑफ ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। तो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग है या फिर मैन पावर प्लानिंग कहिए इसको, ये आपकी जो प्लानिंग हो रही है ये आपकी ऑर्गेनाइजेशन के प्लान्स के अकॉर्डिंग मैच हो रही है नहीं हो रही, ये इस प्लानिंग का मेन ऑब्जेक्टिव है। क्योंकि आज हम जो प्लानिंग कर रहे हैं मैन पावर की, कि हमारे पास शॉर्टेज है, हमारे पास एक्सेस है, कहाँ कुछ कमी है, कहाँ कुछ डेफिशिएंसी है, तो आज जो हम जॉब एनालिसिस करेंगे, आज जो हम पता करेंगे, वो हम फ्यूचर की वैकेंसी के लिए करेंगे।
आपके, आज तो आपके यहाँ वैकेंसी है, आपके यहाँ लोग काम कर रहे हैं, पर फ्यूचर में अगर कुछ कमी है तो वो वहाँ ना रहे, इसके लिए प्लानिंग हम आज कर रहे हैं। ऐसे ही करंट मैन पावर स्टॉक, करंट मैन पावर स्टॉक का मतलब क्या है कि हर डिपार्टमेंट के अंदर जितने लोग वर्क कर रहे हैं क्या वो सफिशियंट है। तो आपके पास जो मैन पावर है, जो आपके पास ह्यूमन रिसोर्स काम कर रहा है, आपके पास हर उस पर्सन का इंडिविजुअल बायोडाटा होना चाहिए, और ये जो रिकॉर्ड है ये आपके एम्प्लॉय के डेवलपमेंट में बड़ा मदद करता है। जैसे मान लीजिए किसी एम्प्लॉय को ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हुए 5 साल हो गए, तो 5 साल पहले का बायोडाटा यदि आप चेक करें तो आपको ये मालूम चलेगा कि आज के बायोडाटा में और 5 साल के बायोडाटा में एम्प्लॉय ने क्या क्या अचीव कर लिया, क्या क्या नई चीज़ें सीखी, तो वो अपना बायोडाटा अपडेट करेगा, और जितना वो बायोडाटा अपडेट करेगा यानी कि उसने कुछ ना कुछ तो लर्न कर रहा होगा। इसके अलावा जो ये रिकॉर्ड्स हैं वो ये बताने में भी कई बार मदद करते हैं कि आपके यहाँ एम्प्लॉयज़ की शॉर्टेज तो नहीं हो रही, या कहीं ज़्यादा लोग तो काम नहीं कर रहे, कि एक ही जॉब को करने के लिए आपने कई सारे एम्प्लॉयज़ को लगा रखा है, तो पता लग जाएगा कि आपके पास डेफिशिएंसी, आपके पास स्टाफ जो है वो एक्सेसिव है। ऐसे ही डिमांड और सप्लाई, ऑर्गेनाइजेशन को ये चेक करना पड़ता है कि हर साल 2 साल के अंदर आपके यहाँ एम्प्लॉयज़ की कितनी रिक्रूटमेंट होती है। इस पर्पज़ के लिए हम लोग क्या करते हैं, जो एचआर डिपार्टमेंट होता है ये एम्प्लॉयमेंट ट्रेंड्स को भी देखता है कि आपके यहाँ कितने लोग तो पेरोल पे हैं लास्ट 2 या 3 साल से, और कितने लोग बार बार छोड़ के जा रहे हैं, कितने लोगों की नई रिक्रूटमेंट हो रही है। तो यहाँ आता है वर्ड रिप्लेसमेंट। रिप्लेसमेंट का मतलब है कि अगर मान लीजिए किसी पर्सन की या किसी एम्प्लॉय की डेथ हो जाए, किसी का रिटायरमेंट हो जाए, किसी को कंपनी ने टर्मिनेट कर दिया हो, या कंपनी अपने बिजनेस को ग्रोथ पे ले जा रही है, एक्सपेंशन के रूप में ले जा रही है, तो वहाँ पर जहाँ पे हम ले जा रहे हैं इस कंपनी को, वहाँ पे हमारे पास सफिशिएंट स्टाफ है या नहीं, तो भी हमें डिमांड को देखना पड़ेगा, सप्लाई को देखना पड़ेगा। एक बार आपने डिमांड को फोरकास्ट कर लिया कि आने वाले समय में मान लीजिए हमारे को बिज़नेस एक्सपेंड करना है और यहाँ हमें मान लीजिए 200 लोगों की रिक्वायरमेंट है, तो ये चेक करना पड़ेगा कि 200 वर्कर्स क्या हमारे पास इतने हैं जो हम उसको इस समय तक वहाँ पे हम उसको पहुँचा सकें, ताकि हमारा जो ये एक्सपेंशन है ये डिले ना हो। इन सब चीज़ों की जो चेकिंग है, मॉनिटरिंग है, ये हमारी इस प्रोसेस का पार्ट मानी जाती है। देन डिटरमाइन द नेट रिक्वायरमेंट, ये भी एक चेक करना पड़ता है मैनेजर को कि जो डिमांड और सप्लाई है क्या वो कंप्लीट है या कुछ कमी है। फिर आता है रीडिप्लॉयमेंट एंड रिडंडेंसी। अगर हम रीडिप्लॉयमेंट की बात करें द सरप्लस एम्प्लॉयज, अगर मान लीजिए आपके डिपार्टमेंट में कुछ लोग ज़्यादा हैं एक डिपार्टमेंट में, तो क्या आप उनको किसी अदर डिपार्टमेंट के अंदर ट्रांसफ़र कर सकते हैं जहाँ पर एम्प्लॉयज कम है, इसको कहा जाएगा रीडिप्लॉयमेंट। और यदि रिडंडेंसी है, जहाँ पर सरप्लस एम्प्लॉयज हैं पर वहाँ पे हम रीडिप्लॉयमेंट नहीं कर सकते उनको, तो वहाँ हम उनको क्या देते हैं, हम उनको कहते हैं वॉलंटरी। क्यों? क्योंकि एम्प्लॉयज़ को मान लीजिए जैसे ये तो कह दिया कि ठीक है एक जगह ज़्यादा स्टाफ है एक जगह कम स्टाफ है, तो ज़्यादा वालों को कम जगह भेज दीजिए, इट इज़ रीडिप्लॉयमेंट। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। पर यदि वहाँ हमें कोई रिक्वायरमेंट नहीं है उस किसी डिपार्टमेंट में, और वहाँ हर डिपार्टमेंट में सफिशेंट स्टाफ है, तो क्या करेंगे, तो कंपनी उनको क्या करती है इमीडिएट के लिए कह देती है कि ठीक है आप VRS ले लीजिए, ताकि आपका भी नुकसान ना हो और कंपनी आपको टर्मिनेट ना करे। ऐसे ही एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम, यहाँ रिक्वायरमेंट क्या है कि टाइमली बेसिस पे रिक्रूटमेंट प्रोग्राम्स किए जाने चाहिए, सिलेक्शन होना चाहिए, ट्रांसफ़र भी होना चाहिए, ताकि ऑर्गेनाइजेशन अपने गोल्स को अचीव करने के लिए भी मॉनिटरिंग कर सके, ताकि हमें कितने और स्टाफ की रिक्वायरमेंट है। फिर आता है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि एम्प्लॉयज़ को हमेशा अपडेट रहने की रिक्वायरमेंट है, करंट सिचुएशन के हिसाब से अपने आप को ट्रेंड करने की रिक्वायरमेंट है, तो उनको क्या जॉब परफॉर्म करनी है आज के करंट समय में, इस चीज़ की नॉलेज भी हमें इस फैक्टर के अंदर पता लग जाती है। फिर आता है इवैल्यूएशन। इन सभी स्टेप्स को करने के बाद ये ज़रूरी है कि जो HR मैनेजर है वो इस पूरी चीज़ों को क्या करे, मॉनिटरिंग करे, इवेल्यूएट करे, ताकि इसका जो आउटकम सोच के चला जा रहा है वो प्रोड्यूस किया जा सके। तो बच्चों ये एक चार्ट मैंने बनाया है इन्हीं सब पॉइंट्स को लेके, तो यही आज का टॉपिक था बच्चों। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।